तो सही जवान सुख सिंह फरस का अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पैतृक गांव मोहदा में अंतिम संस्कार हुआ है। एक साल का सुपुत्र लक्ष्य राज ने दादा की सहायता से मुखाग्नि दी है। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी है, सलामी के साथ शस्त्र झुकाए गए। अंतिम विदाई सांसद चुन्नीलाल साहू, जिलाधीश नीरेश सिलसागर और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल उपस्थित रहे। बता दें कि जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक ने परिजनों की ढाढ़स बधाई है। बता दें कि पार्थिव शरीर पहुंचने पर घर के परिजनों की नम आंखों से सिसकिया की आवाज गूंज उठी। साथ ही साथ ग्रामीणों के बीच SP भोजराम पटेल ने जल्द ही शासन से सहयोग राशि का अनुकंपा नियुक्ति का आश्वासन दिया है। मैनपुर SDOP को जल्द कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। तो ये सीधे तस्वीर देख रहे हैं, शहीद जवान सुखसी फरस का अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। पैतृक गांव मोहदा में अंतिम संस्कार हुआ है। एक साल का सुपुत्र लक्ष्य राज ने दादा की सहायता से मुखाग्नि दी है।